ओडिशा के भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से पहली बार एक अनूठा महाकुंभ मेला एग्जीबिशन ग्राउंड यूनिट 3 में लगाया गया है। मेले में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म तीनों का संगम है, लिहाजा ब्रह्मा कुमारीज यूनिट 9 के आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि इस महाकुंभ में लोग ज्ञान गंगा में स्नान कर अपनी आत्मा को पावन बनाने की पहल जरूर करेंगे। इस मेले का उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। ये मेला 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। रविवार को मेले का शुभारंभ करने उड़ीसा के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रदीप कुमार अमत पहुंचे। उनके साथ भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी भी मौजूद रही। दोनों ने मेले का अवलोकन किया। इस वक्त मैं उड़ीसा भुवनेश्वर के एग्जीबिशन ग्राउंड यूनिट 3 में मौजूद हूं, जहां ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक दिव्य महाकुंभ मेला लगाया गया है। इस मेले में दर्जनों स्टॉल लगे हैं और ये मेला पूरी तरह से ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। यहाँ पर समुद्र मंथन, अमरनाथ, सतयुगी, कई सारे नजारे देखने को मिलेंगे, तो आपको अपना माइंड पावर चेक करने के लिए एक स्पिरिचुअल स्टॉल भी मिलेगा, स्पिरिचुअल वैल्यू गेम्स भी मिलेंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ आकर अपने आप के बारे में, स्वयं परमात्मा शिव के बारे में जान सकते हैं। इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज मलेशिया की डायरेक्टर मीरा दीदी विशेष अतिथि के तौर पर पहुंची और उनकी उपस्थिति ने मेले को इंटरनेशनल रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में खुशी, संतुष्टता और सकारात्मक सोच, इन तीनों की बेहद जरूरत है। भले कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आवे, परंतु सदैव अगर हम सकारात्मक विचार करने का कला सीखेंगे, तो उसके नतीजे ये होगा कि हम सदैव अंदर में हम खुश रहेंगे, और जो खुश रहेंगे जहाँ भी जाएंगे वो खुशी बांटेंगे। मेले के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेले के हर स्टॉल में इतनी नवीनता है कि अगर सही तरीके से देखें तो सुबह से रात हो जाएगी। वहीं विधायक अरविंद ढाली ने कहा कि उड़ीसा के इतिहास में ऐसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज ने एक से एक सुंदर झांकियां सजाकर इस भूमि पर नया इतिहास रच दिया है। इस मौके पर माउंट आबू हेडक्वार्टर से पधारे मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा कि भुवनेश्वर टेंपल सिटी है और इस महाकुंभ मेले में इस धरनी पर कई नए मंदिर बना दिए गए हैं। उन्होंने सभी को महाकुंभ में लाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला रोटरी क्लब के गवर्नर सोमय रंजन ने कहा कि ओम शांति परिवार में आकर उन्हें हमेशा शांति का अनुभव होता है। यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी गीता दीदी ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत किया, तो एनटीपीसी सेल के एजीएम पीके अरुण ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।